हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं कौन से स्टॉक्स जो हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी पिक्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसमें अच्छी खासी अमाउंट बना सकते हो, आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो उन सब पिक्स के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। उन सारी पिक्स के जो चार्ट पैटर्न से उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वो सारे चार्ट पैटर्न्स को हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स क्यों जो है अच्छा रिटर्न देने वाले हैं, क्यों इंक्रीज होंगे। आइए बात कर लेते हैं वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। APCL, कोलगेट एंड टोरेंट फार्मा, जी हाँ, ये तीन ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इनके चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इनके चार्ट पैटर्न्स कैसे हैं और उन चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक्स क्यों इंक्रीज होंगे। ये है कोलगेट का चार्ट और इसमें जो है हम लोग जो है वीकली चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे और देखेंगे वीकली चार्ट पैटर्न क्या कहता है। बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है। ट्रेंड इज़ ओवर फ्रेंड, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो ट्रेंड होता है ना वही हमारा फ्रेंड होता है और ट्रेंड के साथ ही हमने जाना है। कोलगेट एक ऐसी कंपनी है जो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, इसमें अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये देखिए क्लियरली ब्रेकआउट है और ये ग्रीन जोन में है, एकदम खुले नीले आकाश में ये चल रहा है और बहुत अच्छा इसका चार्ट पैटर्न है। ये जो कैंडल थी इसके ऊपर कन्फर्मेशन आ गई थी हमें और इसके ऊपर कन्फर्मेशन आने के बाद हम जो है अब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1708 का जो है इसमें रेट चल रहा है अभी। इसमें अगर आप 3 to 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये इसका वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पैटर्न में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आइए अब इसका डेली चार्ट पैटर्न भी एनालाइज कर लेते हैं। डेली चार्ट पैटर्न में भी अगर आप देखिए तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, और यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट है, बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट। ये देखिए ये इसका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस और अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। और ये जो इंडिकेटर्स हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, इसमें ये पूरा पैरामीटर्स के अंडर जाता है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो कंपनी है बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है जिसका चार्ट पैटर्न जो है अमेजिंग है, ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है और इसने अभी अपने चैनल को ब्रेक किया है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म तीनों के लिए ये बेस्ट पिक है। आपके ऊपर डिपेंड है, आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। सेकंड जो पिक है वो मैं लेके आया हूँ आपको, टोरेंट फार्मा की पिक। इसका जो है डेली चार्ट पैटर्न को हम एनालाइज करेंगे। ये देखिए एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, और यहाँ पर जो है जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये क्लियरली ब्रेकआउट है। यहाँ पे ये कैंडल पे इसका ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर अगर हम इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आराम से 2881 पे ये जाएगा। इतना प्रॉफिट आपको 5 to 6% का आराम से मिल जाएगा इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं ये पिक में। और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये और ऊपर जाएगा, फिर ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन आपको जो है यहाँ तक इन्वेस्ट करके इसमें जो प्रॉफिट आएगा वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ये पिक बहुत अच्छी है। जो पिक है वो है APCL, अंजानी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो हम इसके डेली चार्ट पैटर्न को देखते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर जितना भी था ये हर्डल था और ये क्लियरली ब्रेकआउट है। और इसमें जो है कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का नेम भी आया है इस कंपनी में जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। और इसमें जो वॉल्यूम है ना ये टाइम पे वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके का वॉल्यूम जो है इसमें जनरेट हुआ है। तो इसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और 303 इसका जो है रीसेंट रेट चल रहा है
और अगर ये आपको 292 के आसपास मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए दबा के, और यहाँ पर भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट पिक है, इस तीनों पिक्स के साथ जो है आप किसी भी एक पिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप तीनों पिक में करना चाहें तो तीनों में कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये तीनों पिक्स बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी आपके व्यूज़ हैं कमेंट सेशन में मुझे बताइए कौन सी पिक आपको बेस्ट लगी है इसमें से। इसके अलावा भी मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ जो है शेयर करता रहूँगा रिसेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे, रेगुलर आपको जो है अपडेट्स मिलता रहे, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे जो चार्ट पैटर्न्स पे अच्छा लगेगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा, लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है अपने अपने एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद इन्वेस्ट करना है। तो यह वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं और भी आपको पिक्स वगैरह प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।